पहली बार अपने और सुंबुल के रिश्ते पर बोले फहमान खान। बता दें कि फहमान और सुंबुल को हमने स्टार प्लस के शो इमली में देखा था, जहां सुंबुल इमली और फहमान खान आर्यन का किरदार निभा रहे थे। वहीं से दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया, दोनों ही ट्रेंड करने लगे और देखते ही देखते दोनों की केमिस्ट्री नंबर वन केमिस्ट्री बन गई। साथ ही दोनों अपने अपने फ़ैन फॉलोइंग्स के साथ ही पार्टनर के रूप में भी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग लेकर चलने लगे, जिसके कुछ समय बाद इमली और आर्यन का शो से एग्ज़िट हो गया। जिसके बाद इमली यानी सुंबुल को बिग बॉस में देखा गया, तो वहीं फहमान को स्कलर्स के शो धर्म पत्नी में देखा गया। लेकिन दोनों को अलग अलग देखना फैंस को रास नहीं आ रहा। फैंस बार बार धर्मपत्नी में फहमान की को एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि उनको फहमान के साथ सिर्फ और सिर्फ सुंबुल को देखना है। तो वहीं फैंस ये भी जानना चाहते हैं क्या दोनों के बीच में कुछ है या नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि जेस्टर तो बार बार मिल रहे हैं कि दोनों फ्रेंड्स से बढ़कर भी कुछ हैं। वैसे भी उनके दोस्त अर्जुन बिजलानी हर बार कहते हैं कि ये छुपाते हैं, इनके बीच कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो वहीं अभी होली में देखा गया कि फहमान सुंबुल के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए। बता दें बिग बॉस के घर में भी जब फहमान गए थे तो सुंबुल ने अपना सबसे अजीज़ ब्रेसलेट उनको दे दिया था। तो वहीं अब फहमान भी सुंबुल के लिए कुछ गिफ्ट लेकर होली पर पहुँचे, जो कि उन्होंने मीडिया के सामने तो सुंबुल को नहीं दिया लेकिन अकेले में ज़रूर दे गया, जिससे ये तो कंफर्म हो रहा है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। वेल, आपको क्या लगता है, दोनों दोस्त से बढ़कर कुछ है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।